और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने अब इतनी सारी कचौड़ी कैसे बना दी, तो दोस्तों मैंने घी से भी आटा लगाया है, तेल से भी लगाया है, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये रेसिपी आप कैसे भी बनाओ हमेशा परफेक्ट बनेगी। मैं आपको तोड़ के दिखाऊँ तो कचौड़ी एकदम खस्ता है, परफेक्ट है, अच्छे से फूली हुई है, और यही बेस्ट चीज़ लगती है दोस्तों। दोस्तों आलू की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। मैदे में आप नमक तो डालोगे ही और साथ में अजवाइन ज़रूर डालना। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर आपने यहाँ पर मोइन डालना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर किसका इस्तेमाल करें मोइन में, घी का या तेल का? आप मेरी तरह 4 टेबलस्पून तक देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप अगर चाहते हो तो 1/4 कप तक वेजिटेबल ऑयल या तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैं इसी रेसिपी में आपको दोनों का फर्क भी साथ साथ बताते जाऊंगा। सबसे पहला काम जो आपने सही से करना है वो ये है कि आपने मोइन को अच्छे से मिलाना है मैदे के साथ। अगर मोइन सही नहीं होगा तो आपकी कचौड़ी खस्ता बनेगी ही नहीं दोस्तों। कचौड़ी की रेसिपी में अगर मोइन थोड़ा कम हो गया तो क्या होगी, कचौड़ी बहुत क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बनेगी, खस्ता नहीं बनेगी और लंबे टाइम तक कड़क नहीं रहेंगी, उल्टा सौगी हो जाएंगी। खैर, अब आपने यहाँ पर पानी डालना है, और कचौड़ी की खास बात ये होती है कि उसका जो आटा होता है वो बहुत नरम होता है, उसको रोटी के आटे से भी ज्यादा नरम रखना है। तो 2 कप मैदे के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 1/2 कप पानी के साथ 2-3 टेबलस्पून पानी और डाला होगा, और मैंने पानी थोड़ा थोड़ा करके डाला है, सारा एक साथ बिल्कुल नहीं डाला है। एक डिफरेंस मैं आपको बताऊं अगर घी के मोइन और तेल के मोइन में, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप घी का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको पानी थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, और अगर आप तेल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका काम 1/2 कप में ही हो जाएगा। चलो ये तो हो गई घी और तेल की बात, लेकिन अब आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो आपने सुना नहीं होगा कि आपको पता नहीं होगा कि मैदे में जो ग्लूटेन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कचौड़ी के आटे में। कचौड़ी अगर आप चाहते हो कि सही से फूले, फटे बिल्कुल भी नहीं, सारा माल उठा कर रखे, तो ये ग्लूटेन आपका सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान देना इसका। अभी आप ये देखना, जब आप आटा अच्छे से जोड़ोगे तो आटा ऐसे उबड़ खाबड़ सा होगा, जुड़ा नहीं होगा। अगर दोस्तों आप ऐसे ही कचौड़ी बनाने जाओगे तो आपकी कचौड़ी 100% फट जाएगी। सीरियसली, आप एक बार मेरी तरह करके देखना कि आप अपनी घड़ी में टाइमर लगाना। जी हाँ दोस्तों, 10 मिनट का आप टाइमर लगाना और 10 मिनट तक इस आटे को आप मलते रहना। पानी के अलावा ये दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों कचौड़ी के आटे में और समोसे के आटे में। कचौड़ी का आटा सॉफ्ट होता है और उसमें ग्लूटेन डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कचौड़ी फूलती है ना तो वो ना फटे, इसलिए आटे में स्ट्रेंथ होनी बहुत जरूरी है। आप देखना, जब आप इतनी रगड़ाई करोगे ना आटे के साथ, तो थोड़ी देर बाद आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और अब जब इसको ढक कर 1/2 से 1 घंटे तक रेस्ट करने के लिए रखोगे तो आटा ढल जाएगा। आप खुद ही बाद में देखना, आपको आटा ऐसे लगेगा कि जैसे बेड पे लेटा हुआ है, रिलैक्स कर रहा है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। मिनिमम 1/2 घंटे आप इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना, जब तक हम आलू का मसाला बनाते हैं। आलू का मसाला बनाने से पहले मैं आपको ना कुछ बातें पहले ही क्लियर कर देता हूँ। मैंने इस मसाले में अदरक, धनिया, हींग और हरी मिर्च, इन चारों का इस्तेमाल नहीं किया है। चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, लेकिन अगर आपको कचौड़ी की लाइफ चाहिए, आप चाहते हो कि आप इसको थोड़े से कुछ दिनों तक एक्स्ट्रा रख पाओ, तो आप इनका इस्तेमाल मत करना। इन चीजों से आलू की लाइफ कम हो जाती है। मसाले में दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको मसाला बनने के बाद बताता हूँ। आप बस यहाँ पर पैन में थोड़ा तेल डालना, तेल जैसे ही गर्म हो जाए जीरा डालना और कुटी हुई धनिया के दाने डाल देना। इनको अच्छे से रोस्ट करने के बाद आपने आलू डालने हैं, लेकिन आलू अपने हाथों से क्रश करके नहीं डालने, आलू आपने घिस कर डालने हैं। बहुत जरूरी पॉइंट है ये दोस्तों, घिस कर इसलिए डालने हैं ताकि उनसे पानी जल्दी से जल्दी निकल जाए। यहाँ पर 2 मिनट के लिए आप आलूओं को हल्दी और स्पाइसी वाली लाल मिर्च के साथ आप भून लेना। जब आलू अच्छे से मैश हो जाए और सॉफ्ट होने लग जाए, हल्का हल्का उस वो दानेदार सा होने लग जाए, तो उस टाइम पर दोस्तों आपने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच डालना है बेसन का, बहुत जरूरी है ये, साथ में नमक और धनिया पाउडर। नमक जो है वो आलू से और पानी निकालेगा, और बेसन जो है भुनने के बाद वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, और धनिया पाउडर भी उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि हमारे भुने हुए आलू के मसाले के अंदर मॉइस्चर का लेवल बहुत कम होगा। और धीरे धीरे करके जैसे ही ये आलू एकदम दानेदार से हो जाएंगे ना, थोड़े से सूखे सूखे, तो बस आपका आलू का मसाला बनके पूरा तैयार है। ये देखो आप कैसे दानेदार है। आप यहाँ पर बस एंड की चीजें डाल देना, जो कि है खटास के लिए अमचूर पाउडर, गरम मसाला मैंने यहाँ पर डाला है, और वो गरम गरम फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 चम्मच तक काली मिर्च, और ये सारी चीजें आप गैस बंद करने के बाद अच्छे से मिला देना।
जो दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था आलू का मसाला बनाते हुए वो ये है दोस्तों कि इसमें मैंने जानबूझकर मसाले की क्वांटिटी, स्पाइसीनेस और नमक ये सब चीज़ें ज़्यादा रखी हैं। जब भी आप कोई स्टफिंग बना रहे हो तो वो थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं कचौड़ी के आटे का हाल दिखाता हूँ आपको। थाल में पूरा मस्ती से रिलैक्स कर रहा है, ये देखो आप कैसे लेटा हुआ है। इवन हो गया है दोस्तों, ढल चुका है, ये सॉफ्टनेस आ गई है, इसमें एक बाइंडिंग है और जो ग्लूटेन है ना वो आपकी कचौड़ी को 110% फटने नहीं देगा। इस रेसिपी में मेरा मोटो ही यही है कि जब आप कचौड़ी घर पर बनाओगे ना तो सारी कचौड़ी एकदम परफेक्ट बनेगी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी और रिजल्ट एकदम परफेक्ट आएगा। तो अब क्या करना है, अब तो बहुत सिंपल काम करना है, आपने छोटे छोटे गोलों में इनको डिवाइड करना है। और मैं रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि इस रेसिपी में 400 ग्राम मैंने आटा लगाया है, हर एक कचौड़ी 40 ग्राम की है और इन टोटल इस आटे से आप 10 कचौड़ी बना पाओगे। आप अगर इनको इवनली डिवाइड करना चाहते हो तो आप ऐसे अंगूठे और पहली उंगली के बीच में ना एक बारी ऐसे आटे को ऐसे लेके जाना, एकदम इवन गोला आपको मिल जाएगा। और अब इस पेड़े में आलू कैसे भरना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने पहले साइड्स को फ्लैट करना है, सेंटर से आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा मोटा रखना। जी मैंने जान मुझ के थोड़ा सा एग्जैजरेट करके दिखाया है, हाँ, बट सेंटर से थोड़ा मोटा रहेगा तो एकदम इवनली कचौड़ी बंधेगी। तो साइड से एकदम पतला, सेंटर से मोटा और फिर आप यहाँ पर स्टफिंग डाल देना। ध्यान रहे स्टफिंग ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालनी है, थोड़ी सी स्टफिंग डालनी है। अगर ज़्यादा आपने डाल दी तो आपकी कचौड़ी सही से नहीं फूलेगी, क्योंकि ज़्यादा स्टफिंग से वेट बढ़ जाएगा कचौड़ी में जिससे वो फूल नहीं पाएगी। तो थोड़ी सी स्टफिंग आप डालना और अपनी पहली उंगली और अंगूठे से इसको ऐसे बंद करने की कोशिश करना, तो बिल्कुल आपको ऐसी एक चोंच सी मिल जाएगी। इसको अच्छे से घुमाना और एकदम इसको सील कर देना। अब जो ध्यान देने वाली बात यह है, ये सील वाला एरिया है, ये आप जब पेड़ा रख रहे हो ना तो इस बात का ध्यान देना कि आपने कचौड़ी को सील कहाँ से किया है। जहां से आपने सील किया है वहीं से आपको प्रेस करना है, साइड में पहले प्रेस नहीं करना, पहले सेंटर में प्रेस करना है, फिर धीरे धीरे करके साइड में जाना है। इससे जो स्टफिंग है वो साइडों तक सही से फैलेगी और आटा एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मैदा इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ना स्टफिंग हुई और कहीं से भी मोटा पतला हुआ, तो आप खुद ही देख लो कचौड़ी ऐसी होती है, वो दोनों तरफ से सही बिल्कुल नहीं फूलती। यही वाली कचौड़ी अगर दोस्तों मैं आपको तोड़ के दिखाऊं ना तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैदा कितना अनइवन है, कहीं से मोटा है तो कहीं से पतला है। और यही रीज़न है दोस्तों, कहीं कचौड़ी फूलती है कहीं नहीं फूलती है। अब बस ऐसे शेप देकर एक करके आपने कचौड़ी डालनी है तेल में। तेल जो है वो ठंडा होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, 120-130 डिग्री एकदम परफेक्ट है। आप बस एक करछीज रखना तेल के ऊपर ताकि तले से बिल्कुल ना चिपके हमारी कचौड़ी, नहीं तो वहाँ से ज़्यादा लाल हो जाएंगी और उनमें स्पॉट आ जाएगा एक। और जिस साइड से आपने कचौड़ी को प्रेस किया है वो साइड आपने पहले तेल में डालनी है, ये देखो आप ऐसे। जैसे ही कचौड़ी में बबल्स आने शुरू होंगे, धीरे धीरे करके ऊपर आनी शुरू होंगी, वैसे ही आपने धीरे धीरे करछी को हटा देना है नीचे से। बेसिकली कचौड़ियाँ तैरनी चाहिए, अगर वो डूब रही है तो वो पक्का जल जाएंगी। एक और चीज़ जो आपने ध्यान देनी है वो ये है कि पूरी के पूरे टाइम आपने कचौड़ियों को लो फ्लेम पर या मीडियम लो फ्लेम पर तलना है, हाई फ्लेम पर गलती से नहीं तलना, नहीं तो कचौड़ियाँ खस्ता करारी नहीं बनेंगी। तो दोस्तों आप आराम से इनको पका लेना जब तक इनमें बढ़िया सा कलर नहीं आ जाता, और आप खुद ही देख सकते हो कि परफेक्टली सारी कचौड़ियाँ अच्छे से फूली हुई हैं, तो है ना दोस्तों बहुत ही बढ़िया। एक चीज़ और दिखाऊँ, आटा मलने का फ़ायदा क्या होता है, आप यहाँ पर क्लोजअप करके देखो, ये जो छोटे छोटे धागे दिख रहे हैं ना, एक मेश सी बन रही है, ये है दोस्तों ग्लूटेन की शक्ति, ये कचौड़ी को आपके फटने नहीं देगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मुझे कितना कॉन्फिडेंस है इस रेसिपी में। मैंने ये रेसिपी दोस्तों बहुत बार ट्राई करी है, तेल के साथ करी है, घी के साथ करी है, हर डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करी है, और मैं आपको बस ये बोल सकता हूँ कि जो कच्चे तेल में बने वो कचौड़ी है, जो पक्के तेल में बने वो पकौड़ी है, ये बहुत ही पुरानी कहावत है। तो जब आप सेकेंड लॉट फ्राई करने वाले हो ना तो आप इस बात का ध्यान जरूर देना कि तेल आपने फिर से ठंडा करना है, 120-130 डिग्रीज पर लेकर आना है और फिर कचौड़ियाँ डालनी है। अगर आपको जज करना है कैसे, तो आप एक टूथपिक डालकर देखना, उसमें हल्के हल्के जब बुलबुले आएंगे ना तो बस उस स्टेज तक आपने करना है। और मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल आप देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर भर भर के कढ़ाई में कचौड़ियाँ डाल दी हैं और आप खुद ही देखना एक एक कचौड़ी एकदम परफेक्टली बनकर आएगी। ये हुई ना कुछ बात दोस्तों, इसी बात के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना
और अगर आप बिल्कुल हलवाई जैसे आलू की सब्जी बनाना चाहते हो जो मैंने इस वीडियो में यूज करी है, तो आप ये वीडियो जरूर देखना। बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट है दोस्तों। एक एक छोटी बातों का भी ध्यान दिया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा।